हर बंदा चाहता था कि अंग्रेज चला जाए और हमें आज़ादी मिल जाए। कायद आज़म ने जब ये जिम्मेदारी संभाली तो उनके लिए सबसे पहला मरला ये था कि वो कैसे अंग्रेज़ों को ये साबित करें कि मुस्लिम लीग ही वाहिद जमात है जो मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। कायद की मुखालफत की, जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने मुखालफत की। तमाम बंदे एक तरफ थे तो आप मुसलमानों का तशख्स, मुसलमानों के मसाइल, मुसलमानों के मामलात वो उनकी निगाह में बहुत अव्वल पहले से थे। अब सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो पाकिस्तान है, अब हमें ब्रेक करना होगा, अभी हमको हिंदुस्तान से हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा। हमको उस नेहरू रिपोर्ट के इजलास से कलकत्ता से तो बाहर निकल रहे थे तो अपने एक दोस्त से जो पारसी दोस्त था नुसरवान जी, उससे ये बात निकलते हुए की कि कहीं कि आज हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया इस तरह अलहदा हो गए कि ये अब कभी आपस में नहीं मिल सके। वो चाहते मेरी लाश पे बनेगा और उनकी लाश पे बन गया पाकिस्तान।